यूपी सरकार ने सोमवार देर रात प्रदेश भर से 16 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। इन ट्रांसफर्स के मुताबिक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट का पुलिस आयुक्त बनाया गया। वहीं पूर्व पुलिस आयुक्त आलोक सिंह को अपर पुलिस महानिदेशक कार्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ भेजा गया। सरकार की ओर से जारी ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक आईपीएस अशोक मुथा जैन को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ से वाराणसी का पुलिस आयुक्त बनाकर भेजा गया है। वहीं ए सतीश गणेश को पुलिस आयुक्त वाराणसी से अपर पुलिस महानिदेशक कार्यालय लखनऊ भेजा गया है। अजय मिश्रा को पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ से पुलिस आयुक्त गाजियाबाद, डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह को पुलिस महानिरीक्षण कारागार से पुलिस आयुक्त आगरा बनाया गया है। बता दें कि डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह आगरा के पहले पुलिस आयुक्त बने हैं। आईपीएस रमित शर्मा को पुलिस महानिरीक्षण बरेली परिक्षेत्र से, पुलिस आयुक्त प्रयागराज तरुण गाबा को सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन से पुलिस महानिरीक्षण लखनऊ परिक्षेत्र, डॉक्टर राकेश सिंह को पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र से पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, चंद्र प्रकाश को पुलिस महानिरीक्षक एसएसएफ से पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र और गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज को एसएसपी अयोध्या बनाकर भेजा गया है। प्रशांत वर्मा को एसएसपी अयोध्या से एसपी बहराइच, केशव कुमार चौधरी को एसपी बहराइच से अपर पुलिस आयुक्त आगरा, शैलेंद्र पांडे को एसएसपी प्रयागराज से एसएसपी मथुरा, अभिषेक यादव को एसएसपी मथुरा से पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय लखनऊ और प्रभाकर चौधरी को एसएसपी आगरा से सेना नायक 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर बनाकर भेजा गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।